सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आवर वाटी चैनल रोशन फोटोग्राफी। सो गाइस, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग को पिक्सार एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग कुछ आपका मकर संक्रांति स्पेशल फोटो एडिटना सिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोग हमारे कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, देखने में अमेजिंग एंड बवाल सा यहाँ पर लग रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो सेम टू सेम इस तरह का मकर संक्रांति स्पेशल फोटो एडिटना सीखना, तो इस वाला वीडियो को आज आपको लास्ट तक देख लीजिएगा। और गाइस, अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा डेली इस तरह का न्यू फोटो एडिटना देखने के लिए। तो फिर विदाउट एनी टाइम गाइस, लेट गेट स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। ओके सो गाइस, से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस वाला स्काई बैकग्राउंड को आप लोग अपने पिक्सार एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। और देन यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके, रिसाइज टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को आप लोग मैक्सिमम साइज के अंदर यहाँ पर रिसाइज कर लीजिएगा, ताकि जब भी अपने फोटो को हम लोग एडिट करते हैं हमारे फोटो क्वालिटी में बिल्कुल लॉस ना हो पाए। और सिंपली यहाँ से उसको हम लोग डन कर लेते हैं। और इस वाला वीडियो में जितना भी स्टॉक वगैरह का यूज करूंगा, सभी का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं इस वाला ऑप्शन पर। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक रूफ के पीएनजी को यहां पर ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, हम लोग क्या करते हैं, इस वाला पीएनजी को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से जूम करके इसको हम लोग अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से ये ऑटोमेटिक यहाँ पर गाइस एडजस्ट हो जाएगा। और गाइस, अब यहाँ से सिंपली इसको अपलोड राइट क्लिक कर लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन एक बार क्लिक करते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक काइट की पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इस वाले काइट की पीएनजी को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से जूम करके इसको हम लोग लेफ्ट साइड में यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करते हैं, कुछ इस टाइप से। और इसको हम लोग यहाँ पर डन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने फोटो की कटआउट को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो गाइस, आप लोग इस तरह के पोज में अपना फोटो यहाँ पर क्लिक करवा लीजिएगा। और फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप लोग फोटो रूम एप्लीकेशन का यूज यहाँ पर कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से अपने फोटो कॉल के साथ जूम करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हैं, कुछ इस टाइप से। और गाइस, अब यहाँ से इसको हम लोग सिंपली से राइट क्लिक कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक शैडो पैनल की पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इस वाले शैडो पैनल पीएनजी को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से इसको जूम करके इसको हम लोग नीचे के एरिया में हम लोग इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ताकि हमारा नीचे का एरिया डार्क हो जाए, कुछ इस तरह से। और थोड़ा बहुत आप लोग इसकी ऑपोसिटी को डाउन कर सकते हैं इस तरह से। और गाइस, अब यहाँ से सिंपली इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। अब फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं। और फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक काइट की पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ब्लर काइट पीएनजी को यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस हिसाब से जूम करके अपने अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पर टाइम देख कर काफी बेहतरीन तरीके से अपने स्काई मतलब इस वाले काइट पेंजो को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, जो कि देख ही सकते हो गाइज यहाँ पर आप लोग। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली से इसको इस तरह से राइट क्लिक करते हैं। और फिर से हम लोग ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हैप्पी मकर संक्रांति वाले टेक्स्ट पेंजो को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इस वाले मकर संक्रांति टेक्स्ट पेंज को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। और इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से जूम करके इसको हम लोग ऊपर की साइड यहाँ पर इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। और सिंपल से यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं। अब फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं। और फिर से हम लोग एक पेंज को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस वाला पीएनजी को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे, जो कि देख ही सकते हो यहाँ पर तीन पीएनजी एक के साथ एडजस्ट करके रखा है मैंने। इस वाले पीएनजी को आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। और इसको भी आप लोग कुछ इस तरह से जूम करके इसको आप लोग यहाँ पर इस वाले मतलब वाल की पीएनजी पर इस तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिए, कुछ इस तरह से। और अब यहाँ से इसको सिंपली से आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा। अब फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार आप लोग टैप कर लीजिएगा। और फिर से एक पीएनजी को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं।
तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस वाले PNG को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। और यार इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, मेरे भाषा में तो यहाँ पर इसको लटाई बोलते हैं, तो आपके भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से क्रॉप करके इसको हम लोग क्या करते हैं अपने हैंड में मतलब इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ताकि ऐसा लगे कि हम मतलब हम इस वाले काइट को मतलब उड़ा रहे हैं इस तरह से। और गाइस अब यहाँ से सिंपली इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं। तो फाइनली हमारा पिक्सार्ट के अंदर जितना भी वर्क था सिंपली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो कि बिफोर एंड आफ्टर गाइस अभी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं अपने फोटो को और नेक्स्ट लेवल में एडिट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके, थ्री डॉट के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके अपने फोटो गैलरी के अंदर यहाँ पर सेव करेंगे। और इस वाला फोटो को हम लोग लाइटरूम ऐप के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने के साथ हम लोग क्या करते हैं एक लाइटरूम प्रीसेट को भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इस वाला प्रीसेट को। और इस वाला प्रीसेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाला प्रीसेट पर एक बार क्लिक करके थ्री डॉट के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं, जो कि सीयर के बगल में होगा। तो इस वाला थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करके कॉपी सेटिंग के ऑप्शन में एक बार हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और सभी हम लोग इस तरह से यहाँ पर टिक कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। और सिंपली यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक करके अपने फोटो पर एक बार हम लोग टैप कर लेंगे, और फिर से हम लोग थ्री डॉट के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके यहाँ से इसको हम लोग पेज सेटिंग कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग पेज सेटिंग कीजिएगा, तो आपके फोटो के अंदर गाइस वन क्लिक के अंदर मतलब कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, जो कि बिफोर एंड आफ्टर गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। बट हमारा फेस यहाँ पर थोड़ा बहुत खराब हो चुका है, तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, कलर के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा मिक्स टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक आप लोग कर लीजिएगा, और ऑरेंज कलर के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके इसका सैचुरेशन को हल्का सा आप लोग माइनस की ओर कर लीजिएगा, और इसके लुमिनस को आप लोग हल्का सा प्लस की ओर यहाँ पर कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। और आप सिंपली यहाँ से इसको आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा, और इफेक्ट टूल के ऑप्शन में एक बार आप लोग क्लिक करके अपने फोटो में हल्का सा आप लोग टेक्सचर को भी यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, और हल्का सा बिगिनर को भी यहाँ पर दे दीजिएगा इस तरह से कुछ इस टाइप से। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। और फेस को HD में स्मूथन गोरा करने के लिए यहाँ पर आप लोग का कीजिएगा स्केचबुक एप्लीकेशन का यूज यहाँ पर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं पता है कि फेस को HD में स्मूथ कैसे करते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप उस वाला वीडियो को देख कर सीख सकते हैं। तो फोटो को गैलरी के अंदर यहाँ पर सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोग का कीजिएगा शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके, सेव टू डिवाइस के ऑप्शन में क्लिक करके अपने फोटो को आप लोग गैलरी के अंदर सेव यहाँ पर कर सकते हैं।